नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कोरोना को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,26,000 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और एक दिन में कोरोना से 684 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के ऐसे 11 राज्य हैं जहां तेजी के साथ कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसी को लेकर राज्य सरकारें और प्रशासन सख्त फैसले ले रहा है। एक तरफ जहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 11 ऐसे राज्य हैं जहां तेजी के साथ कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। हाहाकार मचा है महाराष्ट्र में। 24 घंटे में कोरोना के 60,000 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में करीब 322 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई, पुणे में 10,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। महाराष्ट्र में दो दिन में 1,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और महाराष्ट्र के साथ साथ और भी कई राज्य हैं जो इस वक्त कोरोना के बढ़ते मामलों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जल्दी से आपको 10 राज्यों का आंकड़ा मैं बता देती हूं ग्राफिक वॉल के जरिए, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं। ये देखिए, शुरुआत होगी महाराष्ट्र से क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में 59,907 केस सामने आए हैं और 322 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा 10,310 का है, 53 लोगों की जान चली गई पिछले 24 घंटे में। कर्नाटक में जहां 6,976 केसेस सामने आए, 35 लोगों की जान चली गई है। तो उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 6,002 का है, 40 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से चली गई है। इसके साथ बाकी और राज्य जो प्रभावित हैं, जिसमें दिल्ली 5,506 नए केस, 20 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 4,043, 13 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 3,986, 17 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से चली गई है। अब इसके बाद गुजरात का आंकड़ा देखिए, 3,575 नए केस, 24 घंटे में 22 लोगों की जान गई। केरल में आंकड़ा 3,502 का, 16 लोगों की जान चली गई। राजस्थान में आंकड़ा 2,801 का और 12 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से चल गई है। ये ऐसे 10 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और महाराष्ट्र में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए फैसले लिए जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगी, जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो अब कंटेनमेंट जोन के तौर पर उसे घोषित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 10,310 नए मामले सामने आए। रायपुर में अब 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन। किराना, सब्जी, फल मार्केट, शराब की दुकान बंद रहेंगे। सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और ई पास वाले वाहनों को ही अब पेट्रोल दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, जिसमें राजधानी को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है।